Hello everyone, it's Tua, and look at my daughter. She has a natural curls which look pretty much nice. Tua is a princess. Say hello everyone. Hello everyone. Say I am Tua. I Tua. Tell, say welcome to our channel. Welcome Shambu. Thumbs up. Done. अब जब ब्रेकफास्ट कर लिया है, सारी क्लीनिंग डन हो गई है, तो मैंने अब बच्चों को होमवर्क के लिए बिठाया है। इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीटी रॉकस्टार, जो हाँ ये अपना मैथ्स का होमवर्क करते हैं। फिर माय मैथ्स भी है एक ऐप, और एक इनकी इंग्लिश की ऐप है, उसमें इनको होमवर्क करना होता है। और साथ ही मैंने अपनी दोनों बेटियों को बबल बाथ के लिए बाथ टब में डाला हुआ है, बिकॉज़ हॉलीडेज हैं तो बच्चों को थोड़ा सा पीसफुल डे चाहिए होता है लाजमी। ये है चिली बबल बाथ, दिस इज़ वेरी गुड, यू कैन बाय इट फ्रॉम एज़्डा। दिस इज़ कलर चेंजिंग, लेट मी शो यू द आउटकम ऑफ दिस व्हेन यू पुट इट इन द वाटर। दिस वन मैंने टिकटॉक से एक ड्रेस ऑर्डर किया है, लेट्स सी हाउ इट टर्नड अप। देन अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू। द कलर इज द बॉटल ग्रीन, एंड लेट्स ओपन एंड सी हाउ डज इट लुक लाइक। होपफुली इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स ओपन। Very nice. My God, so beautiful. Look how beautiful it is. So after bubble bath, I made them sit down on dining table, and I put the video to learn timetables. So while reading and studying, they are eating snack which is beef sausage. So make sure ये क्या करें कि बच्चे अपना time avail करें properly. So मैं इनको जब ये free time होता है और snacks खा रहे होते हैं, तो मैं इनको YouTube पे video लगा देती हूँ, जिससे ये mathematical methods learn करते हैं, timetables, calculations, addition, subtractions, column method, and what else Isha? Yes. Division. So very good. So make sure क्या करें कि जब वो free time में बैठे हों तो वो अपना time waste ना करें। और मैं इनको tablets नहीं देती, and मैं इनको TV पे जो इन्होंने watch करना होता है। Okay, well done. So they literally use these methods in daily basis. और इनकी माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत अच्छी है स्कूल में भी मैथ्स में। सो मेक श्योर किया करें कि इनका टाइम यूज़फुल बने रादर देन वेस्टिंग। जब तक बच्चे अपना मैथ्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम हांडी बना लेते हैं। अच्छी सी एक रेसिपी बनाने लगी हूँ, लैम चॉप्स की कढ़ाई, विच इज़ वेरी टेस्टी। सो हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसके मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और दो तीन लौंग डाल दिए, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी टू फाइनली चॉप्ड अनियंस जो मैंने चॉप कर लिए हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। दुआ, कैन यू प्लीज गेट डाउन प्लीज। अब जब हमारा प्याज इतना ब्राउन हो गया तो मैं फाइनली ग्राइंड हुआ हुआ लहसुन अदरक डालूँगी। अब एक टी स्पून फुल भरी हुई सॉल्ट डालेंगे और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। अब जब प्याज इतना ब्राउन हो जाएगा तो हमने 5 फाइनली चॉप टमाटोज टमाटर लेके साथ हमने तीन ग्रीन चिलीज चॉप किए हैं, वो बीच में डालेंगे। एक भरी हुई चम्मच लाल मिर्च की, हल्दी, बहुत थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, साथ ही दो कड़ी पत्ता, इसको भी बीच में डालेंगे और अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। जब आपको लगे कि आपके टमाटर गल गए हैं और अच्छी तरह मसाला भुन गया, तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के पूरे मसाले को ब्लेंड कर लें।
अब मैंने लैम चॉप्स ऑलरेडी बॉईल कर ली थी बिफोर ही बनाने के, तो मैं यही लैम चॉप्स उठा के मसाले में डालूंगी। और ये यखनी आपने वेस्ट नहीं करनी, ये यखनी उसी के अंदर जाएगी। अब जब आपने सारी लैम चॉप्स उसमें डाल दी हैं तो आपने मसाले में उसको अच्छी तरह भूनना है, साथ ही आपने 1 टेबल स्पून मीट मसाला डालना है। आप देखो कितना प्यारा उनका कलर आ रहा है भूनने के बाद। अब जब भून गई होंगी चॉप्स तो आपने तकरीबन हाफ लेमन लेके उसके इसके ऊपर डालना है, इससे क्या होंगी जो आपकी चॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएंगी। इस पेज पर आपने अच्छी तरह बीट हुआ 3 टेबल स्पून योगर्ट लेना है और वो इसके अंदर डाल देना। अब जब चॉप अच्छी तरह भून गई हैं तो आपने जो लेफ्ट ओवर यखनी है वो इसमें डाल के फुल फ्लेम पेस्ट को पकने देना। अब हम थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करेंगे, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टेस्टी टेस्टी। ये जी हमारी लैम चॉप्स कढ़ाई रेडी हो गई है, बनाइएगा और खुद भी खाइएगा और फैमिली को भी खिलाइएगा। और ये मैंने स्पेशल अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाई है। और बेहतर होता है कि आप हर एक के लिए अच्छा सोचें और पॉजिटिव हैं और बुज़ुर्ग कोई भी हो उनकी खिदमत करें, इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और आपके पेरेंट्स की तरबियत पता लगती है कि आपके पेरेंट्स की तरबियत कैसी उन्होंने की है। सो रिस्पेक्ट एवरीवन एंड बी काइंड टू देम। और कहीं पे भी बुज़ुर्ग हों उनके लिए दिल में कुछ भी बुरा ना सोचें, हर रिश्ते को इज्जत दें, ख्वा वो सास हो, नंद हो, बहू हो, बहन हो, भाई हो, पेरेंट्स हो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। काइंडली डू लाइक एंड कमेंट, एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वी ऑलवेज नीड योर सपोर्ट। जज़ाकअल्लाह। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ।